समझ में ये नहीं आता तुम बम तेरे प्यार में गिर ही गई। हेलो गाइस, मेरा नाम विनय और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विनय एडिटिंग में स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इस तरह का रील्स एडिटिंग जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा। तो अभी के समय में कुछ इस तरह का रील्स इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चले गई। तो आप लोग भी कुछ इस तरह का रील्स क्रिएट करना चाहते हैं और किसी भी सोशल मीडिया में अपलोड करके व्यू लाना चाहते हैं तो वीडियो पूरे एंड तक देखना, एकदम इजी स्टेप में बताने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस, चलते हैं आज की इस नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए हम VN एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं, तो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसको वहाँ से इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। तो मेरे माले डिस्टॉल है, मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। VN एप्लीकेशन में आ जाने के बाद की समय नीचे की ओर जो प्लस वाले गंदी खाते इस पर हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है। उसके बाद गई समय यहाँ से फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है, लेकिन गई समय फोटो ऐड करने से पहले हमें यहाँ ऊपर में जो सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाया था इस पर हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें फोटो की ड्यूरेशन को 5.08 सेकेंड रख लेना है। मैं इसको यहाँ से रख लेता हूँ। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद इसको मैं यहाँ से बैक कर लेना है। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ से अपने फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, सेलेक्ट हो जाने के बाद हमें यहाँ वीडियो वाले ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ से एक वीडियो एड कर लेना है। तो गाइस, मैं इस वीडियो को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी हूँ। आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ सब्सक्राइब कर लेना और इसको डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट हो जाने के बाद गाइस, हमें यहाँ नीचे की ओर जो एरो ऑप्शन दिखाया था इस पर मैं क्लिक करके अपने फोटो और वीडियो को ऐड कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ। तो गाइस, हमारा वीडियो और फोटो ऐड हो गया, आप यहाँ से देख सकते हो। इतना हो जाने के बाद गाइस, हमें यहाँ लास्ट में चले जाना है और यहाँ में जो ब्लैक कलर का वाटर मार्क दिखाया था इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद आप अपनी वीडियो के साइज को देख लेना। अगर आपका वीडियो फुल स्क्रीन ना हो तो उसके लिए गाइस, हमें ओरिजिनल पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें टीटो कॉल रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद आप अपने फोटो को एडजस्ट करना चाहो तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ टैप एडिट स्टिकर में चले जाना है। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ से वीडियो फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ से टेस्ट PNG ऐड कर लेना है। तो गाइस, अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो, लेकिन मैं इसका PNG ऐड करना चाहता हूँ इसलिए मैं इसको यहाँ से ऐड कर लिया हूँ। तो गाइस, ऐड हो जाने के बाद हमें यहाँ नीचे की ओर जो फिट वाला ऑप्शन होगा इस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस, इसको मैं ठीक से एडजस्ट कर लेना है तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद इसके भी लेंथ हमें फोटो के लास्ट तक रख लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद इसमें हमें म्यूजिक ऐड करना है, तो उसके लिए गाइस, हमें यहाँ टैप ऐड म्यूजिक में चले जाना है और म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाकर हमें यहाँ से म्यूजिक ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं इस म्यूजिक को भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी हूँ, आप इसको भी वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। तो मैं इसको यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस, इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, हमारा म्यूजिक ऐड हो गया, आप यहाँ से देख सकते हो। इतना हो जाने के बाद गाइस, हमें फोटो और वीडियो के बीच में जो प्लस वाले गन दिखाया था इस पर मैं क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें जूम पे एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमारा जो फर्स्ट वाला फोटो है इसमें हमें इफेक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए गाइस, हमें यहाँ लास्ट में चले जाना है और लास्ट में हमें जो जूम वाला ऑप्शन दिखाया था इस पर मैं क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें जूम इन को यूज़ कर लेना है। उसके बाद गाइस, इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, हमारा एडिटिंग कम्प्लीट हो गई, इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, वीडियो रेडी हो जाने के बाद हमें यहाँ ऊपर की ओर जो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन दिखाया था इस पर हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस, हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे ही हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा, हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो गाइस, हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।